निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रशासन इलेक्शन मोड में। जिला प्रशासन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया में जुड़ गया है। आज चुनावी अधिसूचना के साथ ही गरियाबंद नगर में लगे बैनर पोस्ट तत्काल हटाए हैं। वहीं दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हुआ। जिला के जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश व आदेशों को सुनकर नोट करते रहे। जिलाधीश दीपक अग्रवाल ने कहा कि वे पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा। गरियाबंद जिले के अंतर्गत महासमुंद लोकसभा के 2 विधानसभा आते हैं, जिनमें राजिम और बिंद्रानवागढ़ है, जहां की निवचस तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुटे हुए हैं। चुनावी नामांकन फार्म महासमुंद मुख्यालय में होगा। आज निर्वाचन के साथ ही गरियाबंद के विभिन्न चौक चारों पर लगे बैनर पोस्ट को नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने हटवाया। साथ ही जिलाधीश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु विभिन्न चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत राजिम और बिंद्रानवागढ़ का चुनाव संपन्न होगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही राज्य में जो है और जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, और इसके संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां जिले स्तर पर कर ली गई हैं। और जो हमको अभी संपत्ति विरूपण का है या जो भी मैंडेटरी ऑर्डर्स करने होते हैं वो हम सब जारी कर रहे हैं, और सभी अमले को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। सर, बाहुबल, धन बल व अन्य तरह के जो प्रलोभन दिए जाते हैं उसको रोकने के लिए क्या? इसके लिए ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी है, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक मतलब FSTs हैं, और ये सब चीज़ें हमने ड्यूटी लगा दी हैं। सबके प्रशिक्षण भी हो गए हैं और आज सभी से एक्टिव भी हो गए हैं। और जो CVGIL ऐप है जिसमें लोग शिकायत कर सकते हैं, वो CVGIL ऐप भी आज से एक्टिव हो गया है।